ऐसा प्रतिनिधि शहर के बीच प्रसिद्ध मॉल में कपड़ा ब्रांड ली के शोरूम में 11वीं की छात्रा का ट्रायल रूम में वीडियो बनाने का मामला सामने आया। यह पुलिस ने केस दर्ज कर शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिया है। तुकोगंज पुलिस के मुताबिक सरस्वती नगर निवासी छात्रा की शिकायत पर आरोपी शाहिद कुरैशी खजराना को गिरफ्तार किया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 3 बजे सहेली के साथ कपड़े खरीदने ट्रेजर आइलैंड में लाई थी। दूसरी मंजिल स्थित ली शोरूम में जीन्स पसंद की और ट्रायल रूम में ट्रायल लेने लगी। इसी दौरान आरोपी शाहिद दरवाजे के नीचे खाली जगह से मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। अचानक छात्रा का पैर आरोपी के हाथ से टकराया तो वह मोबाइल लेकर भाग गया। घटना के वक्त शोरूम में शाहिद अकेला था। छात्रा ने तत्काल कंट्रोल रूम कॉल कर पुलिस को बुलाया। छात्रा के पिता वकील भी थाने पहुंचे। शोरूम के केयर टेकर तनवीर के मुताबिक शोरूम मुंबई के कारोबारी राजेश शाह का है। घटना के वक्त शोरूम में महिला कर्मचारी नहीं थी। शाहिद 6 साल से कंपनी से जुड़ा है। प्रत्यक्षदर्शी सेल्समैन नावेद के मुताबिक घटना के वक्त शोरूम में शाहिद अकेला था। कुछ देर बाद वह शोरूम में आया तो शाहिद पास के शोरूम में खाना खाने चला गया। 5 मिनट बाद लड़कियां पुलिस लेकर आ गई। पुलिस ने उसे पकड़ा तब घटना का पता चला। महिला शोरूम में भी बनाया था वीडियो। 7 महीने पूर्व तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित नामी महिला शोरूम मदान में भी युवती का वीडियो बनाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने शोरूम कर्मचारी गजेंद्र को गिरफ्तार किया था। ईरानी ने पकड़ा था ट्रायल रूम में कैमरा। 1 वर्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में ब्रांडेड कपड़ा शोरूम के